हेलो फ्रेंड, आज बनाएंगे बची हुई मूंग की दाल से पराठे। जो हमने मूंग की दाल बनाई थी, इतनी हमारी दाल जो बच गई थी, और इससे हम पराठे बनाएंगे। पराठा बनाने के लिए हमने लिया है ये गेहूं का आटा। इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, नमक डालेंगे। हमें पानी नहीं डालना है इसमें, हम बस सीधे ये दाल डालेंगे। थोड़ी थोड़ी हम ये दाल डाल देंगे, इस तरह से हम आटा इसका गूंदेंगे। हमने आटा गूंद लिया, अब इसके हम पराठे बनाएंगे। छोटे बड़े आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरा पराठा बनाएंगे। हमारा पराठा सिक गया, अब इसे हम प्लेट में रख लेंगे। गर्मा गर्म मूंग की दाल के पराठे खाने के लिए तैयार हैं। इस तरह से बनाइए, खाइए, खिलाइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वीडियो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।